Om Hari Om Hari Om Hari Om. ओम हरि ओम। आप तीर्थराज प्रयाग के संगम घाट से अक्षयवट मंदिर, जो कि अंदर में है, ये किले के अंदर है, मैं इस किले के अंदर जो अक्षयवट अब पूरे वर्ष के लिए दर्शनार्थियों के लिए खुल गया है, उसका दर्शन करने आया था, परंतु आपको दिखा रहा हूँ आज से ही। शाही स्नान परसों है, लेकिन आज से ही भीड़ इतनी ज़्यादा है कि मैंने सोचा कि किसी दूसरे दिन जाऊँगा। ये देखिए लाइन में, एक इतनी लाइनें लगी हुई हैं, ये सब लाइन में लंबी लाइन। मुझे थोड़ा बचपन से ही लाइन में लगने की बड़ी कम आदत है, धैर्य नहीं है, तो इसलिए मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। जो दर्शन करने आए हैं अक्षयवट का, उन दर्शनार्थियों के दर्शन कीजिए। और नीचे में माँ गंगा का तट है, संगम आगे पुनः ले जाऊँगा, आपको दर्शन कराऊँगा। लेकिन ये देखिए भीड़ जो है, अभी शाही स्नान दो दिन बाद है, और आज से ही मुझे आने में काफ़ी दिक्कत हुई, गाड़ियां आने नहीं दे रहे थे, सन्यासी के कारण जो है सो गाड़ी को आने दिया। विशेष रूप से ड्राइवर ने बताया कि महाराज श्री आप कहेंगे तो छोड़ेंगे, नहीं तो आप गाड़ियों को रोक दिया उधर। अब संगम क्षेत्र में गाड़ी आने नहीं दे रहे हैं, बहुत दूर तक सब गाड़ियां डाइवर्ट हो गई हैं, तो सन्यासी वस्त्र का एक लाभ हुआ कि पहुँच गए। ये सब लोग पहुँचे हुए हैं, देखिए ये लाइन लगी हुई है बहुत दूर तक। अब मैं तो अभी कुछ दिन रहूँगा, तो ये भीड़ जब समाप्त हो जाएगी दो चार दिन के बाद, किसी दिन अक्षयवट का दर्शन करूँगा। ये किले के अंदर अक्षयवट है, वो देख रहे हैं जो सामने है, शायद वहीं है, पक्का नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि वहीं पट है। लेकिन क्या ये अक्षयवट यही वाला है, बाहर वाला यही है, दर्शन तो हो ही गया यहीं से। देखिए अक्षयवट यही है, सामने जो दिख रहा है ये अक्षयवट है। अब अंदर में जाकर के लोग दर्शन कर रहे हैं, और अंदर में जाने में समय लगेगा, लेकिन आप यहीं से दर्शन कर लीजिए अक्षयवट का। वह यह अक्षयवट इस सनातन संस्कृति सनातन धर्म की जो मौलिक अवधारणा है, जो शाश्वत सत्य है, जिसका न कभी जन्म हुआ न जिसकी कभी मृत्यु होगी, उस अक्षय तत्व जो आत्म तत्व है, जिसे भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में अश्वत्थ वृक्ष कहा है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और पत्ते और तने नीचे हैं, उस अद्वैत वेदांत के परम रहस्य का द्योतक है यह अक्षय तत्व, जो परम तत्व है, जो परमात्म तत्व है, वह उसी का प्रतीक है अक्षय, अर्थात जिसका क्षय संभव नहीं, और क्षय किसका संभव नहीं है, जो चैतन्य स्वरूप है। और चैतन्य क्या है, जो आत्मा है वह चैतन्य है, आत्मा है वह चैतन्य है, और जो पंचभूतों से बना यह शरीर मन बुद्धि अहंकार है, ये क्षयवान है, नाशवान है, नश्वर है। जो चैतन्य है वही अक्षय है, वही अमर है, वही शाश्वत है, वही शिव है, और उसी का प्रतीक यह अक्षयवट है। कथानक यह है कि जब सृष्टि का प्रलय भी हो जाता है, तो इस अक्षयवट का
नाश नहीं होता है। और आधुनिक इतिहास में भी मुगलकालीन इतिहास से दो महत्वपूर्ण आख्यान हैं। औरंगजेब के सैनिकों ने इस वृक्ष को जलाने की कोशिश की थी, जला दिया था, परंतु कुछ महीने बाद ही कोपले फूट आई थी। और यहीं पर यह अवधारणा है कि ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो सर्वप्रथम इस धरा पर यज्ञ जो यहीं किया गया था, और भगवान विष्णु इसके एकाधिपति हैं। भगवान विष्णु का साम्राज्य चलता है प्रयागराज में। तो आपके अंदर, सबके अंदर, अब मेरा जो वेदांत दार्शनिक आपको जो इसका तात्विक अर्थ समझ रहा है वह बता रहा हूँ कि ये अक्षय वट और बहुत अच्छे से रास्ता बताएं, किसी भी प्रकार का दिल दुखाने वाला या कला व्यवहार न करें। बहुत बढ़िया। देखिए ये माइक से अनाउंसमेंट कर रहे हैं योगी जी के मुख्यमंत्री, किसी योगी के मुख्यमंत्री होने का परिणाम देख सकते हैं। पुलिस वालों को भी सख्त निर्देश है कि जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनके साथ शालीनता से पेश आएं और उनकी यथा संभव सहायता करें, मार्गदर्शन करें। ये अब आप अच्छे दिन कहते हैं, राम राज्य कहते हैं, यही तो राम राज्य को ही ऊपर से सोने की बरसात नहीं होती है। सुशासन जहाँ पर मानव का मानव होने मात्र से ही उसका सम्मान हो, उसकी गरिमा है। और यह सनातन धर्म की जो प्राचीन परंपरा है, जो मूल्य थे हमारे संचालन के, उनको यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आपको बोल रहा था, आप अभी दर्शन कर रहे हैं अक्षय वट का। मैं किले के अंदर नहीं गया, किले में जाने के लिए लाइन लगनी पड़ेगी एक घंटा। मैं तो इधर रहने वाला हूँ, हफ्ते दो हफ्ते तो किसी दिन जाऊँगा, तो ये भक्त लाइन में लगे हुए हैं, एक घंटे से लगे होंगे। तो आप जो विश्व के किसी कोने में हैं, व्हिचएवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू आर देयर, यू कैन डू लाइफ दर्शन ऑफ दिस इमोर्टल ट्री दैट लॉर्ड कृष्णा हैज मेंशनड एज द अश्वत्थ ट्री इन द भगवद गीता। दैट इज सिम्बॉलिक ऑफ द इटर्नल ट्रूथ एंड दैट द सेल्फ विद इन यू, द आत्म तत्व विद इन यू इज नेवर गोइंग टू डाई एंड दैट इज द सुप्रीम रियलिटी ऑफ ईच वन ऑफ यू एंड दिस अक्षय वट, दिस इमोर्टल इंडिस्ट्रक्टिबल ट्री इज जस्ट टू रिमाइंड यू अबाउट योर सुप्रीम रियालिटी एंड दैट सुप्रीम रियालिटी ऑफ योर्स इज द कॉन्शियस प्रिंसिपल, द कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल इन यू एंड मी एंड एवरी लिविंग बींग, दैट इज अक्षय, दैट इज इमोर्टल, दैट वॉज नेवर बर्न, दैट वुड नेवर डाई। सो दैट अक्षय वट इमोर्टल ट्री इज गोइंग टू रिमाइंड एंड दैट एट द मोस्ट सेक्रेट प्लेस प्रयागराज, दैट यू आर नॉट मोर्टल, यू आर इमोर्टल, यू आर नेवर बोर्न, यू विल नेवर डाई। दैट अक्षय बट इज देयर एज ए रिमाइंडर इन द सनातन धर्मा कल्चर दैट द सुप्रीम ग्लोरी ऑफ बींग ए ह्यूमन वुड बी रियलाइज ओनली एंड ओनली वेन यू अंडरस्टैंड द metaphysical and spiritual significance of this Akshay Vat, thereby you would realize the Akshay Vat within you, the immortal principle, the Atman, the Paramatman, and that supreme truth, Satchidananda of the Upanishads and Vedic culture. That is a reminder on the banks of the sacred Mother Ganga, this immortal tree, and that is in another way, see, due to downfall of our cultural practices and fundamental values of Sanatana Dharma, for over 1,000 years in one or the other way, the Sanatana Dharma has been subjugated. This country became enslaved, first by the Mughals, then by Britishers. This Akshay Vat is a reminder of this. You see, the country became free in 1947, but yet this Akshay Vat was not open to public all around the year. It was restricted only during the month of Magha. People could go and do darshan of this. But this credit, and it was waiting for none other than Sri Narendra Modi government, they realized the significance, the spiritual significance of this. Yeah.
ये देखिए लंबी लाइनें लगी हुई है, ये लोगों के दर्शन की, ये सब लोग अक्षय वट के दर्शन के लिए ही लाइन में लगे हैं। और ये बस सामने आगे से संगम क्षेत्र प्रारंभ हो रहा है, ये गंगा जी भी दिख रही है वहाँ। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम का तात्विक अर्थ यही है, जो अक्षय तत्व है आपके अंदर, जो सनातन सत्य है, जो आत्मन है, जो परमात्मन है, उसी का स्मरण कराता है यह अक्षयवट। जो आपके अंदर जो अमर तत्व है, द इटर्नल प्रिंसिपल एंड दैट इज द कॉन्शियसनेस, जो चैतन्य तत्व है आपके अंदर वह अक्षय है, और जो जड़ है वह तो क्षय है, मरणशील है, उसकी अनंतता की कोई संभावना नहीं है। तो आपको उस अक्षय तत्व जो हम सबके अंदर है, उसी की अनुभूति करने का यह आवाहन है। एक आप देख रहे हैं किला है, अकबर के समय के पूरे भारतवर्ष में बनाए गए किलों में सबसे बड़ा किला है ये, और उसी किले के अंदर ये अक्षय वट है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। दिस इज फोर्ट, अकबर फोर्ट, विद इन द अकबर फोर्ट इज दैट अक्षय वट। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इसके इससे थोड़ी देर पहले ही बड़े हनुमान जी का था मंदिर बड़े हनुमान जी का मंदिर था, तो वहाँ पर भी दर्शन, इसलिए अंदर में बड़ी लाइन लगी हुई थी, तो मैंने सोचा किसी और दिन करूँगा, बाहर से किया दर्शन। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तो कुंभ परसों से प्रारंभ होने वाला है, शाही स्नान पहला परसों है, आज ही से इतनी भीड़ हो गई है। मैं तो बाहर इस क्षेत्र में तो आज आया हूँ, कल तो बस VIP घाट जो नैनी में है वहीं पर करूँगा स्नान कल और परसों, गंगा जी का दर्शन। वहाँ पानी भी बहुत स्वच्छ है और इतनी भीड़ थोड़ी नहीं होगी, वहाँ भी भीड़ होगी, लेकिन क्योंकि VIP लोगों के लिए है वो, तो उधर ही करूँगा माँ गंगा के दर्शन, और मेरा शाही स्नान कल और परसों उधर ही होगा। आइए अब चलते हैं, ये अकबर किले के अंदर अक्षय वट है, आपने दर्शन किया, और अब जो है सो आपको लेके चलते हैं आगे। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अक्षय वट का दर्शन करने के लिए इतनी लंबी लाइन है, आगे पीछे देख रहे हैं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप
चिदानंद रूपः शिवोहम् शिवोहम् ये सामने जो दिख रहा है वही अक्षय भट्ट है, किले के अंदर जो है। चिदानंद रूपः शिवोहम् शिवोहम् 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 चिदानंद रूपः चिदानंद रूपः शिवोहम् शिवोहम् चिदानंद रूपः शिवोहम् शिवोहम् चिदानंद रूप। आइए अब आपको मेला क्षेत्र का दर्शन कराता हूँ। इस बार का अभूतपूर्व प्रबंधन है और पूरी सरकारी शक्ति लगी हुई है, तो पूरे देश भर के और विश्व भर के लोगों को पता है, तो इस कारण से अर्ध कुंभ होने के बावजूद बहुत बड़ी संख्या में भक्तों के श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ये देखिए सब, इतने विशाल क्षेत्र में इतना जनसमूह, फिर भी कहीं बदबू किसी गंदगी की, ये भारत में अभूतपूर्व ये घटना है कि ये संभव है। जहाँ करोड़ों लोग जुटने जा रहे हैं, अभी भी जुट चुके हैं, पूरे प्रयागराज में शहरों में गाड़ियों का चलना और बहुत जो है प्रतिबंधित हो चुका है, उस स्थिति में भी कहीं जो स्वच्छता मिशन की सफलता अगर अभूतपूर्व कहीं देखी जा सकती है, वो दिख रही है कि छोटे छोटे आयोजन होने पर बदबू आने लगती है, गंदगी हो जाती है, लेकिन स्वच्छता मिशन की अगर वास्तव में कम से कम इस प्रयागराज में अगर इसकी उपलब्धियों को देखना चाहते हैं, तो आई विल गिव 110 आउट ऑफ 100 द परफॉर्मेंस ऑफ स्वच्छता मिशन, डेफिनेटली आई वुड गिव 110 आउट ऑफ 100। दिस इज अनपैरेलल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया दैट एनी गवर्नमेंट इनिशिएटिव कैन ब्रिंग दिस काइंड ऑफ अनइमेजिनेबल सिग्निफिकेंस इन द नॉट ओनली द सिविक कॉन्शियसनेस बट द सैनिटेशन द क्लीनलीनेस। क्या नाम है आपका? नाम बताओ, बता दो नाम बोलो। नाम परी, बताओ। परी। नाम क्या है? परी। कहाँ आए हो आप? कुंभ मेला। बोलो कुंभ मेला। बोलो पूछ रहे हैं। बोलो 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 नाम बोलो, आशीर्वाद मिलेगा। परी का मतलब पता है? दिव्य लोक की परी है, देवता लोक की, देवलोक की, ये देवलोक है पूरा का पूरा। कहाँ से हैं आप लोग? यहीं से, इलाहाबाद। आप अच्छा इलाहाबाद के हैं आप लोग, तो आप लोग इलाहाबाद के हैं, तो आप जरा मुझे एक दो पंक्ति में बताइए, देख रहे हैं कि पहले के भी कुंभ आप लोगों ने देखे होंगे जी, तो अंतर दिख रहा है? ये स्वच्छता वगैरह अंतर है ना, बताइए पहले क्या था अभी क्या लग रहा है? मैं तो दो दिन से तीन दिन से भी आया हूँ ये करके, और दुनिया में भी जाता हूँ, मुझे कहीं कोई बदबू नहीं दिखाई पड़ी, एक चिथड़ा कहीं नहीं दिखाई पड़ा। पहले वाले कुंभ में इस वाले कुंभ सबसे बड़ा अंतर है ना, व्यवस्था की। जी जी, व्यवस्था इतना सिस्टमेटिक ढंग से है, इतनी बड़ी भीड़ है, क्राउड है, आप जो कहीं भी व्यवस्था नहीं देख, कहीं नहीं है कोई, इतना आदमी आ रहा है पता नहीं लगा, और भी करोड़ों आदमी आ जाए पता नहीं लगा कहाँ। जी 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 जी। दूसरी बात व्यवस्था है, इतनी हाईटेक व्यवस्था है, इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग किया गया है जी, और अच्छी बात महाकुंभ में सबसे बड़ी बात है बिजली की बचत हो रही है। जी जी, सोलर लगाए हुए हैं बड़े लेवल पर। नहीं नहीं, ये तो पहले हैलोजन जलता था। अच्छा, अभी देखिए पूरा व्हाइट लाइट है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, और उसके बाद यहाँ बताया गया है कि जो लाइटें जो है सब लगी हैं, हाँ,
यूज होने के बाद, संगम खत्म होने के बाद सारी लाइटें जो है नगर निगम को दे दिए। हाँ हाँ हाँ, रिसाइकल हो जाएगा, यूज हो जाएगा, यूज हो जाएगा। हाँ, और दूसरी बात गंदगी नहीं दिख रही है, सबसे बड़ी कहीं देखिए कहीं कुछ नहीं करके व्यवस्था के अलावा यहाँ की जो लोग आ रहे हैं, दर्शनार्थी जो आ रहे हैं, खुद सहयोग कर रहे हैं गंदगी। अगर जब तक वो नहीं सहयोग करेंगे तब तक गंदगी रुकेगी। ये सब प्रचार से हुआ, ये जो देखिए राष्ट्र का समाज का जब संकल्प होता है तो पूरा समाज भी उसमें सहयोग करता है। जहाँ तक रोजगार की बात है, आप देखेंगे यहाँ रोजगार की इतना बड़ा टूरिस्ट का प्लेस यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा रोजगार निश्चित रूप से पूरा लगा। अयोध्या में भी टूर विकसित हो रहा है, जी 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 जी, उससे कितने लोग रोजगार मिल रहा है, बहुत बढ़िया। तीसरी बात कि यहाँ जो ठेला वाला वाले जो घूमचमचे वाले सब जो बेच रहे हैं, जी जी, उनको पैसे नहीं देना पड़ रहा है, फिर देती है। अच्छा, पहले देते थे ये करके, ये बहुत अच्छी बात है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप जो है सो मोदी सरकार और योगी सरकार को 100 में कितना मार्क्स देंगे इस जिला का? वाह जी वाह, मैंने 110 दिया था, लेकिन देखिए ये प्रयागराज के ही निवासी हैं और उन्होंने पहले के भी कुंभ दिए हैं, ये भी 100 out of 100 दे रहे हैं मोदी योगी की जोड़ी को। क्योंकि मोदी के विचार में जी जो भी काम कर रहे हैं उनके मतलब कोई दुराव नहीं है, जी उनके सबका साथ सबका विकास, राष्ट्र की उन्नति, विश्व गुरु हमारा भारत वर्ष बने, उसके लिए जो मूल्य हैं, जो संस्कार हैं, चरित्र हैं, हर भारतीय में आए। यहाँ आके जो हम लोग जितनी भौतिकतावाद था यहाँ आके कुछ तो हम अपनी दिव्यता को दिव्य महसूस कर रहे हैं, अपनी उस प्राचीन विरासत को, कुछ अच्छा होगा हम लोग। जी 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 जी, चलिए भगवान कृपा करें आप सब पर, जो आप परम वैभव को उपलब्ध हो, भारत माता की सेवा करें। नारायण नारायण चिदानंद। देखिए तो ये मैंने अनेकों प्रयागवासियों से बात किया और जो पहले भी देख चुके हैं वो बड़े ही हर्षित हैं, वो बता रहे हैं कि अभूतपूर्व स्वच्छता प्रबंधन, एक कोई विषय पर केवल स्वच्छता ही नहीं, जो पुलिस हो, प्रशासन हो, और बड़े ही व्यापक स्तर से सुनियोजित तरीके से प्रबंधन किया गया है। जैसे लग नहीं रहा है कि भारत में छोटे छोटे भी कहीं कोई आयोजन होते हैं तो झगड़ा, फसाद, परेशानी पुलिस और पब्लिक के बीच में, यहाँ पर पुलिस और श्रद्धालुओं के बीच में ही अभूतपूर्व सहयोग देखने को मिल रहा है, और बार बार पुलिस और प्रशासन के लोगों को चेताया भी जा रहा है हमारे अनाउंसमेंट के द्वारा भी कि श्रद्धालुओं के साथ कभी भी किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी आपको शालीनता से पेश आना है, उनको पूरी मदद करनी है, उनकी पूरी सहायता करनी है। जब संकल्प शक्ति राज शक्ति हो तो फल तो तत्काल दिखता है। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों स्तर पर इस राष्ट्र की प्राचीन धरोहर और भारत माता की उस गरिमा को समृद्ध करने के संकल्प के साथ जो सरकारें हैं, तो कम से कम यहाँ पर तो मैं सुनिश्चित रूप से कह सकता हूँ प्रत्येक भारतवासी जो विश्व के जिस कोने में भी रह रहा है वो आकर के इस कुंभ मेले के इस बार के आयोजन और प्रबंधन को देखे तो बड़ा ही उससे गौरव होगा, ये सोचकर कि क्या हमारे भारत में ये भी हो सकता है। भारत में ही सब कुछ श्रेष्ठतम यहाँ अनादिकाल से रहा है, ये और बात है कि हमारा पतन हुआ, हमारे मूल्यों का पतन हुआ, हमारी सांस्कृतिक विरासत रौंदी गई, कुचली गई, लेकिन पुनः वह भारत जो विश्व गुरु था, और विश्व गुरु ही नहीं था, वह बहुत बड़ी विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति था भारत। 200 वर्षों पूर्व तक भी भारत सबसे बड़ी ग्लोबल GDP थी, और ट्रेड में भी 30-40% से ज़्यादा भागीदारी भारत की थी, लेकिन आज तो 1-2% से भी नहीं रह गई है। तो पुनः यह संकल्प और उम्मीद जग रही है कि यह भारतवर्ष अपनी उस प्राचीन गौरव और उस प्राचीन विरासत की ओर तेजी से बढ़ेगा, केवल आध्यात्मिक ही नहीं, अपनी आर्थिक, सामरिक, राजनैतिक और वैभवशाली जो समग्र राष्ट्र, जो भारत माता का जो प्राचीन गौरव था, उसके तरफ इसके सपूत चल पड़े हैं। चाहे राजनीतिक विरासत किसी के हाथ में हो, हालांकि किसी के हाथ में हो ये एक क्वेश्चन मार्क के साथ कह रहा हूँ, लेकिन जो एक मूल्यों की राजनीति और भारत माता को समर्पित जो राजनीति है, तो वह राजनीति निश्चित रूप से अपना छाप तो इस प्रकार से अमिट रूप में छोड़ रही है कि कोई चाहेगा भी तो यह जो भारतीय उस प्राचीन गौरव,
गरिमा के मूल्यों पर आधारित जो हमारा जीवन हो, केवल राजनीतिक ही नहीं, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक हमारा जो जीवन हो उसमें वे मूल्य हमारे चरित्र को परिभाषित करें और हमारा जो जीवन का विभिन्न अवयव है, जो विभिन्न आयाम है, सर्वत्र वो व्यवहार में दिखे। मैं 3 दिनों से कुंभ मेले का भ्रमण कर रहा हूँ। मुझे कहीं भी किसी या तो पुलिस या प्रशासन वालों और श्रद्धालुओं के बीच में या किसी श्रद्धालु से श्रद्धालुओं के बीच में भी कहीं कोई अप्रिय घटना, कोई झगड़ा, कोई रोष, कोई द्वेष नहीं दिखा। बड़ा ही सबके सब रोष अव्यवस्था के कारण आते हैं। कहीं कोई दायित्व बोध नहीं है। राधे राधे राधे, आय 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 आय, ये देखिए, ये गौरव है। और भारत माता की जो प्राचीन भारत माता, ये देखो, ये क्या क्या मतलब परी, ये देखिए परी की जो परंपरा जो भारतीय सनातन संस्कृति में थी, ये परी है। और ये परी जेट फाइटर प्लेन भी उड़ाने की ये संभावना अब इस भारतवर्ष में हो चुकी है। ये प्रधानमंत्री भी बन सकती है, ये भी संभावना है, क्योंकि ये माँ है, ये दुर्गा है, ये लक्ष्मी है, ये नारायणी है। और वह नारायण का जो यह विरासत जो थी, और ये सब नारायण की ही विरासत सबके सब, यहाँ पर तो शिव तत्व ही देखते हैं, सर्वत्र सच्चित आनंद का दर्शन करते हैं। तो ये प्रयागवासी बड़े हर्षोल्लास में हैं और ये महसूस कर रहे हैं जो इस बार का अभूतपूर्व यह आयोजन हुआ है। हमारा देश निश्चित रूप से तरक्की कर रहा है और अच्छे दिन अब नहीं आए हैं तो कब आए हैं। अच्छे दिन कोई सोने से नहीं गिरते हैं करके स्पष्ट, जिसको अच्छे दिन देखना है, विश्व के किसी कोने में आप रहते हैं, कुंभ में आइए तो अच्छे दिन आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेंगे। नारायण राधे राधे यूट्यूब चैनल स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती। अच्छा। आप मारेंगे, क्लिक करेंगे, मिल जाएगा। तो पूछ रहे हैं, सब्सक्राइब करते हैं आप। स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती, नारायण नारायण, हाँ हाँ, हरिओम हरिओम जी। पोस्ट तो ये तो अभी फेसबुक पर कर रहा हूँ ये करके। कोई न्यूयॉर्क में मेरा जो करने वाली बैठी हुई है लेडी, उनका टाइम अभी जगेंगे ना, भोर भोर में होंगी, 4 बजे तक होता है, वो कर देंगे। लेकिन यूट्यूब वाला करता हो तो डायरेक्ट चला जाता है करके, लेकिन थोड़ा रिफर भी, बहुत मेहनत कर रहा है, ऐसे करती है, कुछ नहीं लेती है। यहाँ पर 5-10 लाख रुपए भी मंथली दो, नो दे वोंट बी एबल टू डू सिटिंग, द लेडी सिटिंग, ओल्ड लेडी सिटिंग देयर इन न्यूयॉर्क एंड जस्ट आउट ऑफ शियर स्पिरिचुअल लेडी है करके, सी एक क्रिश्चियन उससे सही। लेकिन वो जो मेरी वीडियो ये सब लेक्चर भी कर देता हूँ ना, सारे माँ सरस्वती का, सारे कहाँ पर नारायण का फोटो डालना है, कहाँ कैन यू बिलीव इट, इट गिव्स मी अ ग्रेट प्लेजर कि देखो कहाँ न्यूयॉर्क में बैठे हुआ रात में, यहाँ से किसी से 5 मिनट मालूम, कोई हेल्प कुछ भी नहीं मिलने वाला है। रात भर जा करके अब कल परसों 8-10 वीडियो किया हूँ, सबको रिफर्बिश करके, रीडिजाइन करके और डाली जा रही है, तो सब प्रभु की कृपा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती फेसबुक या यूट्यूब पर दोनों पर जाएंगे आपको तत्काल मिल जाएगा मेरे घर। सच्चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम राधे राधे के भक्त हैं ये लोग। भगवान कृष्ण का जो ये देखिए अक्षय भट्ट है ना, अब अक्षय भट्ट तो अक्षय भट्ट लग रहा है, एक पेड़ है, इसका गहन दर्शन आपको बता रहा हूँ। यहाँ दर्शन भगवत गीता में जो 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने दर्शन दिया है, अश्वत्थ वृक्ष बोलते हैं, गहन दर्शन है, वेदांत नहीं सम, कि जिसकी जड़ें ऊपर हैं और पत्ते नीचे हैं, ये आत्मा का प्रतीक है। अक्षय भट्ट हमारे आपके अंदर सबके अंदर है, जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया। स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती पगड़ी का फोटो होगा, या वेद वेदांत मिशन डाल दीजिए, वेदा वेदांता मिशन हमारा अगले समय। अक्षय जड़ ऊपर है, अक्षय तत्व आपके अंदर है, अक्षय तत्व का ये सारा संगम का भी मैंने व्याख्या की है, 8-10 ये किया है, ये मिलन का क्या है, संगम का। आपके जो 3 अवस्थाएं हैं, उपनिषद पढ़ोगे पता चलेगा, आप अभी जागृत अवस्था में हैं, सोने जाओगे बिल्कुल स्वप्न रहित है, वो गहन निद्रा की अवस्था है, और अगर स्लीप जो है गहरी नहीं है तो ड्रीम की अवस्था है, स्वप्ना सुषुप्ति और जागरण, ये 3 अवस्थाएं हैं। ये तीनों जब तक है तो बंधन है, दुख है और द्वैत बुद्धि है, भेद बुद्धि है। इसके पार जाते हैं उसे तुरिया अवस्था कहते हैं, समाधि में जाते हैं, इसके लिए संन्यास लिया हमने ये करके। तो वहाँ इस अक्षय वट का अवस्थ चैतन्य तत्व का प्रतीक है, जिस भगवद गीता में उसको दर्शन कराने के लिए प्रतीक है करके। देखो अक्षय तुम्हारे अंदर है, जो ऊपर का तात्पर्य है कि आम वृक्ष के नीचे जड़ें होती हैं, तो आपका जो परम तत्व, जो परम परमात्मा के वेद वेदांत मिशन, वेदा वेदांता मिशन, जब हम अवस्था में होते हैं तो कुछ सुपरनेचुरल पावर भी आ जाती है, ये
इस सब पर मैं बहुत गहन प्रबंधन करता हूँ। ये बड़ा क्षुद्र जो चूंकि हमारा पतन हुआ है ना 500 सालों में, तो इसे यहाँ देख रहा था, बता दूं तो तुम्हारे हाथ में क्या है, ये क्षुद्र ये जो पावर है ना टिपिकल, आग यहाँ दिखा दूंगा वो करूंगा उस आसाराम और कर देना, घटिया वो व्यवस्था है करके अध्यात्म से लेना ध्यान है उस, लेकिन वो अवस्था बहुत ही, उस अवस्था में जब जाएंगे तो आपकी विराटता का जो अनुभव होगा सब क्षुद्र हो जाता है, आपको दुनिया की कोई वो जो अवस्था है आप चिदानंद रूप शिवोहम, शिवोहम का तत्पर्य यही है कि आप शिवत्व को जो जीव है वही शिव हो। मेरे चैनल पर बहुत सारे इसके वीडियो हैं, जीव ही शिव है, जीव ही शिव है। महाराज कब से बचपन से ही सन्यासी रहे लोग, वेदा वेदांता मिशन, वेदा वेदांता मिशन में नहीं आ रहा है, नहीं अब मैं टाइप कीजिए आप पकड़ा इधर पकड़ के रखो, मेरे को फ्रेम में रखो, चलो आपका काम करता है, मेरे को फ्रेम उधर से रखो। अब आपका अब ये भगत जो है सो प्रवचन सुनना चाहते थे, इनका मैं करता हूँ अभी। नारायण वेदा स्वामी सच्चिदानंद, ये अपने सर्च कहाँ, ये यूट्यूब का है कि फेसबुक का है? यूट्यूब है, यूट्यूब पर भी नहीं आ रहा है, आपने कनेक्ट किया है क्या? हाँ कनेक्ट है, है? ये है ना, हाँ ये आ गया ना, देखो चैनल आ गया तो है आपका, यह ये कुंभ का ही सारा तीन चार ऊपर वाला है, यही है, इस पर सब्सक्राइब मार देना, जीमेल का होगा ना सब्सक्राइब मारोगे फट से हो जाएगा, लिंक हो गया ब्रह्मांड तो जुड़ा हुआ है ना। देखो अब ये भक्त लोग जो है सो ये यहीं के हैं, एक तो देखो भगवान आपको बताता हूँ, आप इधर आओ बताता हूँ, मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी, कल स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन भी था, मैं वहाँ 15 सेक्टर में गया तो वहाँ पर रामकृष्ण मिशन का था तो जयंती भी मना रहे थे, वेदांत दर्शन जो मैं वेदांत परमहंस सन्यासी, ये देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसमें बहुत बड़ी गांधी को पढ़े, अरविंदो को पढ़े, रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़े, तब आपको पता चला कि स्वामी विवेकानंद की क्या भूमिका थी, पूरा पुनर्जागरण आया। पुनर्जागरण कैसे आया? पॉलिटिक्स की किताब पढ़ के नहीं, जो वेदांत दर्शन है, जो हमारे अमर तत्व का जो बोल रहा था ना अक्षय वट का, और जो अमरत्व का जब बोध हो जाएगा तो भयभीत नहीं होगी। दुनिया में एकमात्र जो देश है वो भारतवर्ष है जहां अमरत्व का सिद्धांत दिया, और हमारी त्रासदी ऐसी रही कि हम इतने डरपोक हो गए, बख्तियारुद्दीन खिलजी 25 गुंडों के साथ वहां से चला था, पर्शिया से चला था, और पटना वहां जाकर के नालंदा तक जला दिया, पाखंड हमारे चरित्र में आ गया, भय आ गया, और जिसको भय आ गया वो तो जीतता मरता हुआ रहता है करके, तो हमारा जो अमर, और हम दुनिया के सबसे बड़ी शक्ति इसलिए थे, केवल राम 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 नहीं करते थे हम, मैं संन्यास लेने से पर से रिसर्च इंस्टीट्यूट का बड़े लेवल पर सब काम करता था, 200 वर्ष पूर्व आवर कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल जीडीपी वाज 30-40%, इवन 200 साल पहले तक, और मुगलों के आने पहले तक तो वी वेर द सुपर पावर मिलिट्रली फिजिकली सारे के सारे करके, वो कहाँ से आता है मैं बताने ये जा रहा हूँ कि देखिए ये प्रयागवासी हैं, और भगवान आदिशंकर बोलते हैं अपने विवेक चूड़ामणि में कि बड़े पुण्य कर्म करते हैं तो मानव का जन्म मिलता है, मानव जन्म में भी जो है सो कहीं ऐसे स्थान पर, अब वो गंगा स्तोत्रम का जो उन्होंने आदिशंकर ने रचना की है अद्भुत पंक्ति कही बोली है कि कहीं किसी का आप समझो अपना महत्व समझने के लिए कि भगवान ने कितने पुण्य कर्म से लाए हैं, लेकिन महत्व नहीं समझते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं रहेंगे, अरे छोड़ो स्नान करने नहीं जाना, आदिशंकर कहते हैं कि हे माँ गंगे, किसी साम्राज्य का सम्राट होने से तो लाख गुना श्रेयस्कर है तुम्हारे किनारे का केवट होना या मछली हो जाना, शुद्र हो जाना, क्योंकि तू उस विराट त्रैलोक्य का स्वामी बनाती है हे माते। तो आपकी जो गरिमा है, भगवान ने किस कर्म से आपको ये गंगा के तट पर, ये मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ अपने प्रवचनों में, ये सच्चिदानंद सरस्वती है, ये सन्यासी के रूप में आज दिख रहा है, इसका कारण है कि गंगा के तट पर बनारस से आगे जन्म हुआ था माँ की गंगा की गोद में, और कोई रोक नहीं पाया, उस परम विराट वैभव को अपने उपलब्ध हो जाने के लिए आवाहन करता है ये। तो धर्म का कोई ये तात्पर्य नहीं है कि कोई ये पहन लिया नहीं पहन लिया, धर्म और हमारा अध्यात्म जो श्रेष्ठतम जो आपकी संभावना है, द अल्टीमेट पोटेंशियल इन यू
must be allowed to be harvested and manifested. I am using that one term in management parlance. Market wale bolte hain harvested. Ye sab kuch mera field hai. But to sambhavana adhyatma ki hai ki aapki jo antim sambhavana aur antim sambhavana kya hai? जो यह मरण धर्म है वह अमरत्व को उपलब्ध हो जाता है, यही संन्यास जो जिसे इसको वेदांत कहता है। बड़े बहुत बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया, और वैसे तो बोल देते हैं चार पुरुषार्थ हैं, अंतिम मोक्ष है, लेकिन मोक्ष आम भाषा में मोक्ष की बड़ी व्यवहारिक परिभाषा है करके। आप सुबह से शाम तक 24 घंटे अगर अपने विचारों का अगर आकलन कर ले कि आपके अंदर कौन सी वासना उठ रही है, कौन सी इच्छा हो रही है, उस सब को उपलब्ध हो जाना, नॉट 1, 2, 3, 4, 5, एवरी सिंगल डिजायर दैट अराइजेज विद इन यू बट यू आर अनेबल टू फुलफिल दो डिजायर्स, उन सब की प्राप्ति कर लेना ही आपका परम उपलब्धि है, परम गौरव है। लेकिन कहेंगे कि ये उपलब्धि होगी क्या? नहीं, कहेंगे डिजायर जो सुबह से लेकर शाम तक हमारे अंदर डिजायर हुई जी, तो डिजायर में कुछ डिजायर तो सकारात्मक होंगी, कुछ नकारात्मक होंगी, तो कौन से नकारात्मक डिजायर ज्यादा आएंगे? हाँ, ये बड़े कभी प्रारंभिक लेवल पर सब बातें उठती है। हम यहाँ पर कह रहे हैं ना कि ब्रह्मांड में जितनी भी इच्छाएं हैं किसी भी प्रकार की, उन सबकी पूर्ति की संभावना है। इसी वेदांत का सबसे मौलिक सूत्र है करके उपनिषद कहते हैं हमारे ऋषियों ने, आपको इच्छा हो रही किसी भी इंद्रिय भोग की भी, इसका तात्पर्य है कि आप समस्त इंद्रिय भोगों के भी आप स्वामी हो, आधिपत्य हो, कहीं ना कहीं बिछड़ गए हो, आप सम्राटों के सम्राट हो लेकिन भिखारी बन गए हो, छोटी छोटी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे हो, उसी के लिए अपराध भी करते हो, उसी लिए किसी की हत्या भी करते हो। अब आम इसका व्यक्तिगत अर्थ लगा लेंगे कि आप भ्रष्टाचार करने कोई अपराध नहीं, इसका तात्पर्य है कि सब परमात्म तत्व है, यहाँ परम वैभव है, लेकिन किसी कारणवश जब पदच्युत हो गए, जब राजा जो है सो पदच्युत हो गया तो बार बार उसकी इच्छा होती है। तो जितनी भी वासनाएं कामनाएं इच्छाएं आपके अंदर हो रही हैं, आप शिव तत्व हो जो पूर्ण तत्व है, जो समस्त दुखों का निवारण, जो त्रैताप है दुखों का निवारण और अक्षय आनंद की प्राप्ति। यह अक्षय वट क्या है? अक्षय द इनडिस्ट्रक्टिबल ब्लिस। आप जितने आपको संसारिक क्षणिक सुख मिलते हैं दे आर क्षणिक है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सारी सुंदरियां भी आपके पास आ जाएंगी, उनके साथ भोग भी करोगे, वो क्षणिक ही होगा, लेकिन वह जो क्षणिक भोग उस भ्रम यहीं पर होता है। सन्यासी में और मुझ में और आप में बहुत छोटा सा अंतर है, कोई अंतर नहीं है। सन्यासी अगर प्रमाणिक है तो उसे दिख जाएगा त्याग नहीं, मैं त्याग नहीं करता हूँ, किसी भोग का त्याग नहीं करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मुझे ये दिख जाता है कि ये मैं जो बाहर में ढूंढ रहा था और एक मिनट के लिए मिला और इतनी परिश्रम किया मैंने, इसके लिए कितने खतरे उठाए, और ये मेरा स्वरूप है, स्वभाव है, समस्त भोग मेरे अंदर है, क्योंकि ब्रह्मांड का आधार अधिष्ठान मैं हूँ, चैतन्य तत्व है, अक्षय उसका तात्पर्य है। जब समाधि का पूछ रहे थे ना, आपने पूछा था ना तुरीयावस्था में, तुरीयावस्था में यही होता है कि जब तुरीयावस्था में आते हैं तो आपका ये शरीर और पंचेंद्रियां सब के सब जड़ तत्व हैं, और जब तक आपका जड़ से तादात्म्य दोनों साथ तीनों साथ में खड़े, जब तक आप अपने को जड़ मानते हैं तब तक जीवन में दुख लगेगा, आपकी दुख से आगे जा रहे हैं, क्षणिक सुख आ रहा है लेकिन दुख आते रहेंगे। और जब आपको बेटी को यहाँ पर खड़ा कीजिए, और जब जो है सो आपको लग जाएगा, जब आपको बोध होगा, यही तो साधना संन्यास कहते हैं कि आप जड़ नहीं हो, जड़ तो मरना ही है, वो पैदा हुआ है मरेगा, लेकिन आपके अंदर वह तत्व है जो अक्षय वट जिसका प्रतीक जो कह रहे हैं, जो आत्म तत्व है, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, जिसकी मृत्यु नहीं होगी, और वह एक ही है, उसी के आधार पर अद्वैत दर्शन कहते हैं ये करके। जो राधे राधे का जो राधे राधे का तात्पर्य यही है, जो कृष्ण चेतना, कृष्ण चेतना जो जो आपके अंदर है, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, एक श्लोक के माध्यम से समझाता हूँ, कहते हैं अर्जुन, ईश्वर है सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठते, ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। एक श्लोक में संपूर्ण भगवत 700 तो श्लोक है, लेकिन एक श्लोक के बाहर संपूर्ण वेदांत दर्शन भी इसके कुछ नहीं, इसके अंदर है, मैं घंटों इस पर बोल सकता हूँ, कई दिन बस। कहते हैं और कितना स्पष्ट, और दुनिया में साम्यवाद मार्क्सवाद सारे के सारे फेल हो जाते हैं इसका जो दर्शन आप देखेंगे। तो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वह जो परमात्मा है, वह जो ईश्वर है, सभी भूत प्राणियों सभी जीवधारियों के हृदय में सदा निवास कर रहा है, और जीवधारी की जैसी
कर्म जैसा होता है उसके अनुसार उसे उसके कर्म के सवारी पर सवार करा करके और अनंत यात्राएं कराता है। इसलिए तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रदा प्रसादात् पराम शांतिम अस्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। भगवान कृष्ण कहते हे अर्जुन, उसी परब्रह्म जो सबके हृदय में निवास कर और एक ही है, वो ये अनंत दिखाई पड़ रहे हैं ना मुझ में, सब में एक ही वह ईश्वर तत्व है, वही कृष्ण है, तू उसी की शरण जा। अब ये बड़ा गहन तत्व है, अपनी मेरे पैर आ मेरा चेहरा, तू तुम्हारे अंदर जो ईश्वर है जो चैतन्य तत्व है उसी की शरण जा और उससे क्या होगा, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, उसकी जब शरणागति होगा यानी चैतन्य तत्व की शरणागति होगा सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम अस्त, परम शांति परम वैभव का प्रतीक है। उसके बाद पाने को कुछ शेष नहीं रहता, भोगने को कुछ शेष नहीं रहता, करने को कुछ शेष नहीं रहता, कृत कृत्य तत्व उसे कहते हैं, बिकॉज यू मैनेज टू अटेन एवरीथिंग दैट यू हैव एवर एस्पायर्ड फॉर और डिजायर्ड फॉर। चिदानंद रूप शिवो हम शिवो हम, नारायण नारायण कल्याण हो, कल्याण हो, नारायण नारायण भगवान कल्याण करें, नारायण। चिदानंद रूप शिवो हम शिवो हम, हरि शरणम जय हरि शरण। सुबह में आज मौसम थोड़ा खराब हो गया था, बदली लगी थी, मैंने सोचा कि शायद बारिश भी होगी, लेकिन अभी तो बारिश नहीं हो रही, थोड़ी थोड़ी धूप निकली है। तो अब जो है मैं विराम देता हूँ, ये अभी मैं यहीं अक्षय वट के सामने खड़ा था, अक्षय वट सामने है ये किले के सामने, अब थोड़ी देर बाद आपको मैं पुनः संगम घाट पहुँचता हूँ, 10 मिनट लगेगा, 5 मिनट, उसके बाद फिर दर्शन कराऊँगा। आप सभी अपने अंदर वह जो शिव तत्व है जो अक्षय वट और संगम का भी प्रतीत है, जो ये त्रिकालातीत है, वह जो जड़ चेतन से परे है, वह जो संगम उस सत रजस और तमस का अतिक्रमण करेंगे जब आप, तो आपके अंदर वह शिव तत्व अवतरित होगा। अवतरित इस अर्थ में वो है सदा आपके अंदर विद्यमान है, परंतु उसका बोध हो जाएगा, उसका बोध हो जाएगा। जी कहाँ घर है आपका, घर कहाँ है आपका, कौन जिला, कौन जिला, कौन जिला, कौशाम्बी के, और बताइए। नारायण, चलो भगवान की कृपा कृपा। चिदानंद रूप शिवो हम शिवो हम, चिदानंद रूप ब्राह्मण है, ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, जी जी ठीक 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 ठीक। चिदानंद रूप शिवो हम शिवो हम, तो आपको पुनः थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। नारायण 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 जी।